गुना डीएफए फुटबॉल एकेडमी द्वारा माधव ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता पीजी कॉलेज के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में चौथी बार खेली जा रही है। ये प्रतियोगिता 14 नवंबर से 16 नवंबर तक खेली जाएगी, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना जिलों की 14 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मैच एनएफएल और राघवगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें राघवगढ़ 2 गोल से जीता। दूसरा मैच शिवपुरी बाबा क्लब और राघवगढ़ राजा बलभद्र क्लब की टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें शिवपुरी ने ये मैच जीता। माधव ट्रॉफी 2021 का शुभारंभ 14 तारीख से 16 तारीख तक किया जा रहा है। इसमें 14 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें कि आज प्रारंभ पहला दिन किया गया है, जिसमें राघवगढ़ और एनएफएल का मैच खेला गया था, जिसमें राघवगढ़ 2-1 से विजय रही थी। आज दूसरा मैच सीपरी बापू फुटबॉल एकेडमी और राघवगढ़ राजा बलभद्र क्लब के बीच खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट 16 तारीख तक चलेगा। इसका समापन 3 बजे 16 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। इसमें कहां-कहां की टीमें भाग लेंगी? इसमें अशोकनगर जिले की सभी टीमें, गुना जिले की सभी टीमें, शिवपुरी जिले की टीमें और ग्वालियर संभाग की लगभग 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका फाइनल मैच 14 से चालू होकर 16 तारीख को शाम 3 बजे फाइनल मुकाबला इसका खेला जाएगा। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट।